नमस्कार, वेद दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। राजनाथ सिंह का परोक्ष रूप से आमिर खान पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने परोक्ष रूप से फिल्म अभिनेता आमिर खान पर निशाना साधते हुए संसद में कहा कि अपमानित होने के बावजूद संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर ने कभी भी देश छोड़ने की बात नहीं कही। राजनाथ ने गुरुवार को कहा कि देश के संविधान की प्रस्तावना में शामिल सेकुलर शब्द का सबसे ज्यादा राजनीतिक दुरुपयोग हुआ है और शायद यही वजह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने मूल संविधान में इस शब्द को नहीं जोड़ा था। इसे 42वें संशोधन के बाद इसमें जोड़ा गया था। सिंह ने अंबेडकर की 125वीं जयंती की याद में भारत के संविधान के प्रति वचनबद्धता पर लोकसभा में चर्चा का आरंभ करते हुए कहा कि सेकुलर का अर्थ पंथ निरपेक्षता होना चाहिए, धर्म निरपेक्षता नहीं। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता स्वाभाविक रूप से भारत के चरित्र में रची बसी है। असहिष्णुता विवाद पर बोले अक्षय कुमार, मुझे भारतीय होने पर गर्व है। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के असहिष्णुता संबंधी विवाद के बीच अक्षय कुमार का कहना है कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है। अक्षय ने कहा है कि इस मामले पर मैं बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे भारतीय होने पर गर्व है, बाकी किसको क्या प्रॉब्लम है इस पर मैं कुछ नहीं कह सकता। अक्षय ने कहा कि मैं ऐसे कई NRI लोगों से मिला हूं जो भारत वापस आना चाहते हैं और कई सारे वापस आ भी चुके हैं। कुछ तो ऐसे लोग भी हैं जो भारत को इतना मिस करते हैं कि वो अपने बच्चों को हिंदी फिल्मों के अलावा और कुछ नहीं दिखाते। निर्भया के माता पिता की मांग, नृशंस किशोर का दिखाएं चेहरा। दिल्ली में 16 दिसंबर की गैंगरेप की घटना के बाद जान गंवाने वाली लड़की के माता पिता ने मांग की है कि सभी 6 अपराधियों में सबसे नृशंस रहे किशोर उम्र के दोषी को रिहा किए जाने से पहले दुनिया को उसका चेहरा दिखाया जाना चाहिए कि वह समाज के लिए खतरा है। पीड़िता के माता पिता ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह से यह मांग की है। लड़की के पिता ने कहा कि हमें मीडिया से पता चला है कि किशोर दोषी बाल सुधार गृह में जिहाद की सीख प्राप्त कर रहा था, जो बहुत खतरनाक बात है। उन्होंने कहा कि वह सभी 6 दोषियों में सबसे ज्यादा नृशंस भी था और उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। उसको रिहा करना समाज के लिए खतरे की बात है। नवाज शरीफ ने भारत पाक सीरीज को दी हरी झंडी। भारत और पाकिस्तान के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय सीरीज को लेकर संशय के बादल लगातार साफ होते जा रहे हैं। गुरुवार को पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने भी इस सीरीज को लेकर अपनी सहमति दे दी। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के कार्यालय ने अपने बयान में इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि मौजूदा सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए PCB को भारत के साथ किसी तीसरे तटस्थ स्थान पर संक्षिप्त सीरीज आयोजित करनी चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय सीरीज श्रीलंका में कराने के संकेत मिल रहे हैं, हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।